विगत दिनों ट्रक दुर्घटना में मारे गए मजदूर पप्पू यादव, जो सदर प्रखंड जहानाबाद के ग्राम लक्षु बिघा के निवासी थे, उनके घर जाकर यादव सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा आर्थिक मदद एवं उस परिवार के सदस्यों को ढाढ़स बंधाया तथा तीन बच्चियों एवं एक बच्चे जो अब अनाथ हो गए, उनको विद्या भारती हाई स्कूल के निदेशक शशि कुमार यादव के द्वारा बच्चों को वर्ग अष्टम तक मुफ्त में शिक्षा देने का संकल्प लिया तथा पुस्तक और कपड़े का खर्च यादव सेवा समिति उठाएगा। इसी क्रम में एरकी गांव जाकर युगल यादव के घर जाकर, जो उनके पुत्र का निधन सड़क दुर्घटना में हो गई थी, परिवार को सांत्वना दिया गया। इस अवसर पर शिक्षक श्रीचंद यादव, गनौरी प्रसाद, शंभू शरण, विजय यादव, शशि भूषण जी, राजेश कुमार सिंह, कौशल कुमार, मुकेश कुमार इत्यादि मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। यादव सेवा समिति की ओर से पप्पू यादव के घर पर गए और उनको यादव सेवा समिति की ओर से आर्थिक मदद किया। यादव सेवा समिति का ही काम है गरीब जो अत्यंत है उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना और आगे बढ़ाना। इस कड़ी में हम लोग भी गए और उनको पढ़ाई लिखाई का जो खर्च होगा देने का वादा किया और मरे उनकी आत्मा को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति दे और उनके परिवार को बढ़ने की ताकत दे। यही कहकर लक्षु बिघा में जो सदर प्रखंड जहानाबाद के अंतर्गत पड़ता है और शहर से निकट ग्राम लक्षु बिघा में पप्पू यादव एक बेचारा साधारण घर का मजदूर था। तीन बच्चियां एक बच्चे जो वह बच्चे को रख करके मजदूरी करके पढ़ाता था हॉस्टल में और खुद ट्रक पर रख करके मजदूरी करता था। रोड एक्सीडेंट में ट्रक उलटने से मर गया। उसके घर आज यादव सेवा समिति के द्वारा जाकर के आर्थिक मदद की गई तथा हमारे साथी शशि जी जो विद्या भारती हाई स्कूल के संस्थापक प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने उन बच्चों को गोद लिया और आठवें वर्ग तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिए आगे आए। उन बच्चों को शिक्षा देंगे तथा उसका खर्च जो है कॉपी कपड़े और किताब का यादव सेवा समिति वहन करेगी, सब वहन करेगी। और यह बहुत ही मर्माहिक घटना था। उनके घर पर जाकर के हम लोगों ने देखा कि विधवा पत्नी और बच्चे का हालात बहुत दयनीय स्थिति, तो हम सबों ने उसे आर्थिक मदद भी दिया और उसको आगे भी मदद का भरोसा दिया। भरोसा ठीक। यादव सेवा समिति के उपाध्यक्ष होने के नाते अपनी टीम के साथ ग्राम लक्षु बिघा पप्पू यादव के मकान पर गया और उनके परिवार की स्थिति को देखते हुए हम लोग अनुग्रह राशि भी समर्पित किया और हमारे टीम के शशि बाबू जो स्कूल का संस्थापक हैं वन से एट तक उनके दो बच्चे और एक बच्चे को उन्होंने पढ़ाने का वादा किया। क्या काम है यादव सेवा समिति का? यादव सेवा समिति का काम ही है कि गरीब को मदद करना। हम लोग से जितना बनेगा उतना हम लोग कर रहे हैं। आप तो जान ही रहे हैं कि हमेशा जो है सो सम्मानित करते हैं, कभी दुख में जाते हैं, कभी अगलगी में जाते हैं। स्थिति को देखते हुए हम लोग मदद करते हैं। ठीक। आज यादव सेवा समिति की ओर से सबसे पहले गांव एरकी में जुगल जी के सुपुत्र के रोड एक्सीडेंट में मारे जाने की खबर सुनकर पूरी टीम के साथ वहाँ हम लोग गए और उनके दुख की घड़ी में हम लोग साथ दिया और हम पदाधिकारियों के रेस्टियो अनुमंडल पदाधिकारी से मांग करते हैं कि उनके रोड में एक्सीडेंट में मरने के उपरांत मिलने वाली सहायता राशि का जल्द से जल्द भुगतान की जाए और उसके साथ साथ हमारा पूरा टीम यादव सेवा समिति का सभी सदस्यों ने जा करके लक्षु बिघा गाँव में 1/4/2023 को ट्रक उलटने में के दौरान मृत्यु होने के बाद पप्पू यादव के घर गया और वहाँ उनकी आर्थिक स्थिति को देखा। सारे बहुत स्थिति उनकी खराब है और हमारे एक
साथी यादव सेवा समिति सदस्य के ही साथी शशि कुमार जी ने विद्या भारती स्कूल चलाते हैं, उसके प्रिंसिपल हैं और उन्होंने 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा देने का उन्होंने वादा किया उनके बच्चों को। साथ ही साथ हमारी टीम के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिसमें हमारे श्रीचंद प्रसाद जी कोषाध्यक्ष, राजेश जी, शशि बाबू, विजय बाबू उपाध्यक्ष, समूह शरण लाल जी सभी वहाँ उपस्थित थे और उनके हर कदम पर चलने के लिए हम लोग मदद करने के तैयार हुए। हमारा समिति उनके शिक्षा में उनका किताब कॉपी का जो खर्च होगा उसे मदद करने के लिए संकल्प लिया। इसी का करके मैं दादा बोली, हमने यादव सेवा समिति के साथ लक्ष्मीपिया गांव में जाकर पप्पू यादव के घर गया। इनके रोड दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। गांव वाले ने बोले इनकी आर्थिक इतनी स्थिति खराब है कि इनके पास पढ़ाने का पैसा नहीं है, इसलिए मैं विद्या भारती हाई स्कूल के डायरेक्टर के नाते इनके 3 बच्चों को 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए कहा कि मैं निःशुल्क पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।